हम रोज सुबह 8 बजे आते, 8 बजे आते, फिर घर का कचरा लेते, फिर बाद में डिपार्टमेंट का कचरा लेते, और घर से ही अलग कचरा निकालते, गीला और सूखा। फिर गीला कचरा हम वो गांडूल खत को देते हैं, और वो कचरा लेके 1 बजे तक हमारा काम होता है, 1-1.5 बजे तक। सब कचरा इकट्ठा लेते, फिर बाद में वो शॉर्टिंग करते, सफ़ेद का कागद अलग निकालते, पुष्टा, कांच, बाटली, वो भंगार, और वो दूध थैले, फिर वो मेन रहता ना प्लास्टिक, वो निकालते, जो 10-12 आइटम अलग करने पड़ते हैं। इससे पहले मैं बंगले में काम को जाती थी, फिर इधर बदली में जब बाई लगती थी ना तभी आती थी। बंगले में काम करती थी ना तभी महीने में पेमेंट मिलता था, यहाँ 3 दिन में हाथ में एक सब्जी के लिए पैसा आता है और सैलरी भी मिलती है महीने में, इसलिए अच्छा लगता है। What we tried to do through the cooperative was that we integrated the waste pickers in the process of doorstep collection, and we integrated them in the solid waste management system. This model was accepted officially by the corporation. Since 2007, we have been going to the citizens, and we have a model where the citizens are paying the waste collectors, and the waste collectors are offering them a service of doorstep collection of the garbage, while at source itself the garbage is separated into wet and dry waste. All the dry recyclable stuff is sent further for recycling by the waste collectors. They make an income from the waste as well as from the user fee. हाउसकीपिंग का बिल अलग रहता है, खत का अलग रहता है, डोर टू डोर कलेक्शन का जो कचरे का काम रहता है उनका बिल अलग रहता है। ऐसे हर महीने में हम 1 तारीख को इनको बिल देते हैं, ये हमको 9 तारीख तक चेक दे, 9-10 तारीख तक इनका चेक आता है। इनका चेक भी नहीं आ जाएगा तभी भी हम सब हमारे लोगों को पेमेंट दे देते हैं। मैं ये काम करती हूँ, वो अभी क्या होता चुन के लेती थी, पाटने से पोता ऊपर लेकर चुन के लेती थी कचरा कुंडी का। अभी तो ये काम आया, पहले से थोड़ा हाल होता कोई भी बोलेगा घुसा करने का हकल देगी, ऐसा वो अभी नहीं। अभी हक्का से रोटी छोटी सी मिलती, हमारे लोग सिर्फ कचरे का ही काम करते हैं। ये ऐसे कंटेनर है, PMC के जो ऐसे कंटेनर रहते हैं, अंदर कंटेनर में कितना गंदा रहता है। अभी तो ऐसा हुआ है ये कंटेनर पूरा निकाल के ले लिए, अभी ज़्यादा से ज़्यादा जिधर अभी यूनिवर्सिटी में पहले 30 कंटेनर था, अभी सिर्फ 2 है। जो आइडेंटिटी कार्ड में उसमें लिखा है कागज काज कष्टकारी पंचायत संस्था, इनका नाम है, इनका फोटो है उसमें, फिर अभी किधर भी इन लोग जाएंगे तो सिर्फ इन्होंने बोला हमारी संस्था है, हम उसमें काम करते हैं, तो अभी इनको कौन सी किसी जगह इनको तकलीफ नहीं। It's a decentralized process where the entire waste is treated and what remains is only the non-recyclable waste. So only the non-recyclable waste then ends up going to the landfill site. The non-recyclable waste is also a responsibility of the companies which produce that kind of waste. So at a larger level, we are also trying to campaign and network with different other groups and talk to the companies who are producing such material, such as the gutka sachets and thermocol, which don't get recycled easily, that the company should take back this kind of material. About 1700 women are now integrated into the solid waste management system, and about 279,000 households have been covered in Pune, which is about 35% of the city. But
पहले का वो क्या बोध पोता है ना, वो ऐसा खांदे पर वो घूमने का कुत्ते पीछे लगते थे, वो सिक्योरिटी हकल देते था। अब वैसा नहीं ना, अब अच्छे से आते हैं, टाइम पर आते हैं, काम करते हैं, काम का पैसा मिलता है, कचरे का पैसा मिलता है, पहले से अच्छी आप जिंदगी है।